उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा छुड़ाने के लिए सरकार ने 3 स्तरीय टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। आज से फिर प्रेजेंटेशन का दौर शुरू हो रहा है। 7वें राउंड का प्रेजेंटेशन होगा। आज 6 विभागों के मंत्री और ऑफिसर्स अगले 100 दिनों का एजेंडा पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक में ग्रामीण और किसानों पर आधारित विभागों की चर्चा होगी। सिंचाई से लेकर पंचायत और गांव के विकास पर भी फोकस होगा। यूपी की योगी सरकार ने जवाहर बाग कांड की न्यायिक जांच पर रोक लगा दी है। अब इसकी सीबीआई पड़ताल होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए 2 मार्च को कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। 2 जून 2016 को मथुरा में हुए जवाहर कांड में 2 पुलिस अधिकारी और 22 उपद्रवी मारे गए थे। जवाहर बाग में कब्जा जमाए उपद्रवियों और पुलिस के बीच कई घंटे मुठभेड़ चली थी। बाबा जय गुरुदेव का अनुयायी राम वृक्ष यादव पार्क पर कब्जा जमाए उपद्रवियों का मुखिया बना हुआ था। तो वहीं आज 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। 1 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। दिल्ली की राजौरी गार्डन, कर्नाटक की नजनगुड और गुंडलपेट, झारखंड की लिट्टीपाड़ा, राजस्थान के धौलपुर और पश्चिम बंगाल की कंठी, दक्षिण मध्य प्रदेश के अटेर और बांधवगढ़, हिमाचल प्रदेश की भोरंज और असम की धेमई विधानसभा सीट के चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टियों को ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की चुनौती दी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग मई के पहले हफ्ते में एक वर्कशॉप आयोजित करेगा, जिसमें मीडिया की मौजूदगी में टेलीकॉम्युनिकीज, इसके साथ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट को भी खुला चैलेंज दिया जाएगा कि वो ईवीएम या फिर वीवीपैट को हैक कर दिखाएं। चुनाव आयोग ईवीएम को टैम्पर करके दिखाने के लिए पूरे 10 दिन का वक्त दे सकता है। आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल उठाने पर 2009 में भी ऐसी वर्कशॉप कराई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में ईवीएम मुद्दे पर 13 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। सरकार ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा ईवीएम को बहाना बनाकर विपक्ष गलत प्रचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की वजह से ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का उसको हक उसका नहीं मिल पा रहा है और पीएम ने इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले बिल के संसद से पास न होने का उदाहरण दिया। बीजेपी ने ओबीसी सांसदों की बैठक के दौरान पीएम ने हैरानी जताई और कहा कि सभी पार्टियों के भरोसे के बावजूद राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हुआ। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को सजा के मामले में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की। पाक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने तय किया कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान किसी से दबाव में नहीं काम करेगा। वहीं भारत में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली में पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा को लेकर चीन ने कहा है कि इससे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने पर असर पड़ेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कॉन्ग ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बताया और आरोप लगाया कि तिब्बती धर्म गुरु की यात्रा के दौरान भारतीय अधिकारियों और दलाई लामा ने भड़काऊ भाषण बयानबाजियां भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को पीएम रिलीफ फंड में सैलरी दान करने के लिए धन्यवाद किया। दरअसल डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 22 मार्च को राज्यसभा सांसद के तौर पर मिलने वाली अपनी पूरी सैलरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में दान कर दिया था। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि भविष्य में भी मैं सांसद के तौर पर अपनी सैलरी से सिर्फ 1 रुपया ही लूंगा और बाकी पूरी सैलरी पीएम रिलीफ फंड में दान करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर भी सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले नेता बन गए हैं और इस फोटो शेयरिंग ऐप पर पीएम मोदी के कुल 68 लाख फॉलोअर्स हैं। वहीं इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नंबर है, जिसके 63 लाख फॉलोअर्स हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया है और प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। अखिलेश सरकार में बेहद प्रभावशाली अधिकारी रहे नवनीत सहगल से सभी जिम्मेदारियां ले ली गई हैं। उन्हें फिलहाल वेटलिस्ट में रखा गया है और नवनीत सहगल की जगह अवनीश कुमार अवस्थी को तैनात किया गया है। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमन को भी वेट लिस्ट में रखा गया है। रमा रमन को सभी जिम्मेदारियां मेरठ के डिविजनल कमिश्नर आलोक सिन्हा को सौंप दी गई हैं और इन्वेस्टमेंट कमिश्नर अमित मोहन प्रसाद को नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मौजूदा सीईओ दीपक अग्रवाल को भी वेटलिस्ट में रखा गया है। लखनऊ के कमिश्नर भुवनेश कुमार और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विजय यादव को भी हटा दिया गया है। यूपी में समाजवादी पेंशन में खामियों की जानकारी के बाद उसे बंद कर दिया गया है। पिछली सरकार ने गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता और विधायकों ने लोगों की लिस्ट बनाई थी और उसी के आधार पर लोगों को पेंशन दी जा रही थी। अखिलेश सरकार के बनाए गए साइकिल ट्रैक तोड़े जा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के काम की प्रेजेंटेशन के दौरान ये बात सामने आई कि जहां पर साइकिल ट्रैक बने हैं वहां पर सड़कें बहुत छोटी हो गई हैं, वहां साइकिल ट्रैक तोड़े जा सकते हैं। यूपी में दूसरे राज्यों के तर्ज पर योगी सरकार कैंटीन खोलने की तैयारी में है। प्रदेश में इस खोलने की योजना बनाई जा रही है और कैंटीन में गरीबों को सिर्फ 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना देने की तैयारी है। यूपी के बलरामपुर में शराब माफियाओं की धमकी से परेशान होकर लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप है कि शराब माफिया और आबकारी विभाग की मिलीभगत के चलते घनी आबादी में दुकान खोली गई है और गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकियां भी मिलने लगी। अयोध्या से शुरू होने वाली 84 कोसी परिक्रमा शुरू हो गई है और परिक्रमा में हजारों की संख्या में राज्य के साधु संतों ने हिस्सा लिया। मान्यता है कि 84 कोसी परिक्रमा से जीव मुक्त हो जाता है। यूपी के आजमगढ़ में डीआईजी के पैदल मार्च से शहर में हड़कंप मच गया। डीआईजी ने डॉक्टर्स इंजीनियर समेत कई विभाग के नाम में लिखे 52 गाड़ियों का चालान उनका करवाया और इसके अलावा वाहनों पर लिखे स्लोगन्स को भी मिटवाने की कार्रवाई की। लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पीडब्ल्यूडी ने आम आदमी पार्टी को राउस एवेन्यू में अलॉट दफ्तर को तुरंत खाली कराने के लिए कहा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के आवंटन को भी रद्द कर दिया है जिसके बाद अब पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया है। आरोप है कि आपने इस बंगले में अवैध तरीके से दफ्तर खोला। शंगलू कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस आवंटन पर आपत्ति जताई थी। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के पहले एक बुकलेट जारी किया है। इसमें अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के समानता भी दिखाई गई है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार और अनैतिकताओं के मामले में अरविंद केजरीवाल ने 2 साल में शीला दीक्षित के 15 साल को पीछे छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 किलो हीरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त की गई इस हीरोइन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए नशे के कारोबारियों के संबंध पाकिस्तान और बांग्लादेश के तस्करों से भी जुड़े हुए हैं। इस्लाम धर्म के विवादित प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने को लेकर विशेष पीएमएलए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना सकती है। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था और जाकिर नाइक के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए ईडी ने अर्जी दी थी। कुलभूषण जाधव को रिहा करने की मांग को लेकर मुंबई के मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी झंडों को जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। पाकिस्तान के चंगुल में फंसे कुलभूषण जाधव के समर्थन में मुंबई के मुसलमानों ने जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की।
शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कुलभूषण जाधव मामले में केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि पाकिस्तान को महज संकेत देना बंद करें और अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाने चाहिए। मुंबई के परेल स्टेशन पर आरपीएफ जवान की होशियारी के चलते एक मुसाफिर की जान बच गई। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर विनोद चंदन शिवे नाम का एक मुसाफिर चलती ट्रेन पर सवार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ में मसाला डोसा के पैकेट की चटनी गिर गई, जिसकी वजह से वो फिसलने लगा। आरपीएफ जवान ने फौरन उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई रेल मेट्रो कॉरपोरेशन को फटकार लगाते हुए कहा है कि विकास के नाम पर पर्यावरण की हत्या नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने मेट्रो के 3 प्रोजेक्ट्स की लाइन बिछाने के लिए चिल्ड्रन पार्क को नुकसान पहुंचाए जाने पर यह सख्त टिप्पणी की। यूपी के बागपत में बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर एक व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने कट्टे से व्यापारी पर फायरिंग करी, व्यापारी ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई। व्यापारी ने कुछ दिन पहले ही खेती के लिए एक जमीन खरीदी थी, जिसको लेकर बदमाश व्यापारी से रंगदारी मांग रहे थे और पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने व्यापारी के पूरे परिवार को भी मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बेटे की चाहत में 6 बेटियां होने से परेशान पिता शिवलाल पर अपनी 2 बेटियों को चंबल नदी में फेंकने का आरोप लगा है। गांव वालों ने एक लड़की को बचा लिया है। पुलिस ने पिता पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। बिहार के किशनगंज में एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप करने और हत्या करने का मामला सामने आया है। बच्ची खगड़िया से किशनगंज अपने रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी और 2 युवकों पर सबूत मिटाने के लिए बच्ची का गला दबाकर हत्या करने के भी आरोप लगे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले में दोनों युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के महोबा जिले के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक सवार लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप से 1,45,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे लुटेरे, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने उन्हें हिम्मत दिखाकर उनका पीछा कर पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बदायूं में एक रेप पीड़िता ने फांसी से लटककर आत्महत्या कर ली। 9 अप्रैल को रेप की वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि दबंगों ने समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी, जिससे परेशान होकर रेप पीड़ित युवती ने आत्महत्या कर ली। मेरठ के 2 छात्रों का दिल्ली में अपहरण होने का एक मामला सामने आ रहा है। दोनों छात्र जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अपहरणकर्ताओं ने छात्रों के मोबाइल से फोन कर 80 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। अपहरण की खबर के बाद परिवार वाले सकते में हैं। परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन मेरठ पुलिस इसे दिल्ली का मामला बताकर केस से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। अमृतसर में खालसा कॉलेज के सामने से एक 18 साल के युवक लवप्रीत के लापता होने का मामला सामने आया है। लवप्रीत के परिवार वाले इसे अपहरण की घटना बता रहे हैं। लवप्रीत की मां ने किडनैपिंग के पीछे पैसे के लेन देन और पुरानी रंजिश की भी बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के पाली में पुलिस ने तस्करों से शराब बरामद की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बस की तलाशी ली और बस में भारी मात्रा में अवैध शराब के बड़े बैग्स में भरकर ले जाई जा रही शराब बरामद की। इस मामले में पुलिस ने बस कंडक्टर के साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया। गोरखपुर में पुलिस ने पशु तस्कर के एक बड़े धंधा करने वाले लोगों का भंडाफोड़ किया है। जगह पुलिस ने 6 टन मवेशी के साथ चमड़े के साथ 3 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि तस्करी कर रही सिद्धार्थनगर जिले से ट्रक में छुपाकर इसको लेके जाया जा रहा था, जिसके बाद चमड़े को कोलकाता भेजने की तैयारी की जा रही थी। यूपी के बस्ती में एक मासूम बच्ची को अगवा कर गैंगरेप करने की वारदात सामने आई है। आरोपी 3 युवक गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और घटना के बाद से आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 3 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है और बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर बनी है। मार्च महीने की महंगाई के आंकड़े ने चिंता बढ़ा दी है। मार्च में रिटेल महंगाई दर 3.65% से बढ़कर 3.89% पर पहुंच गया है। हालांकि रिटेल महंगाई दर अभी भी आरबीआई की ओर से तय दायरे के अंदर है, लेकिन इसमें इजाफे ने चिंता बढ़ा दी है।
वहीं खाने पीने की महंगाई से मोर्चे पर राहत मिली है और मार्च में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर फरवरी में 2.01% के मुकाबले घटकर 1.93% ही रह गई। अब अमेरिका यूरोप की तरह ही पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना तय करेगी, यानी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के भाव में बदलाव का असर पेट्रोल और डीजल के दाम पर भी दिखेगा। सरकारी तेल कंपनियां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे 1 मई से 5 शहरों में लागू करने की योजना बना रही हैं और इसमें मई में पुडुचेरी, उदयपुर, विशाखापट्टनम, जमशेदपुर और चंडीगढ़ में रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा की जाएगी। पेट्रोल पंप को हफ्ते में एक दिन बंद रखने को लेकर सुझाव को सरकार ने खारिज कर दिया है। पेट्रोल पंप डीलर से जुड़े एक संगठन ने कहा था कि वो हर रविवार को पेट्रोल पंप सिर्फ 8 घंटे खोलना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि पेट्रोल पंप डीलर्स के छोटे एसोसिएशन ने ये मांग की थी, जिसका जो बड़ा एसोसिएशन है उनका ऐसा कुछ भी कहना नहीं आया। सरकार बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसीज को लेकर गंभीर है। सरकार ने इसके कामकाज के तरीके को लेकर भी समझने के लिए एक समिति बनाई है। सरकार को शक है कि बिटकॉइन का इस्तेमाल काले धन के लिए भी किया जा रहा है और ये समिति इस बात पर सुझाव देगी कि कैसे वर्चुअल करेंसी से निपटा जाए और लोगों को इससे बचाया जाए। 30 अप्रैल तक अगर आप अपने बैंक खातों को आधार से नहीं जोड़ते तो आपका खाता ब्लॉक हो सकता है, जिसमें बैंक या फिर वित्तीय लेनदेन से जुड़े खाते जुलाई 2014 और अगस्त 2015 के बीच खुले हैं, उन्होंने केवाईसी से जुड़ी अगर जानकारी और आधार नंबर नहीं दिया है तो आपका खाता बंद हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन खातों के बेरोक टोक संचालन के लिए 30 अप्रैल तक फॉरेन टैक्स कंप्लायंस एक्ट यानी FATCA नियमों के तहत जरूरी जानकारियों को सेल्फ सर्टिफाइड करके भी देना होगा। बेनामी संपत्तियों के बाद सरकार अब उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक देश में 85,000 से 90,000 करोड़ रुपए की बेनामी शेयर है और जिनके पास ये शेयर है वो कई सालों से कंपनियों के डिविडेंड अपने खातों में ले रहे हैं। आयकर विभाग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से ऐसे लोगों के बारे में आंकड़े जुटा रही है और आईटी विभाग बैंक खातों और पैन को लिंक करके ऐसे बेनामी शेयर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। रेलवे की सब्सिडियरी कंपनी IRCTC की लिस्टिंग का रास्ता अब साफ हो गया है। कैबिनेट ने IRCTC सहित 9 रेल PSUs की लिस्टिंग को मंजूरी दे दी है। वहीं वित्त मंत्री ने बजट में IRCTC की लिस्टिंग करने की घोषणा की है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई और अहम फैसले पर मुहर लगी। पॉम ऑयल की सब्सिडी बढ़ाने पर प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है और इसके अलावा कैबिनेट ने ऑयल PSU में लोकल मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को भी मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेलवे के कामकाज से खुश नहीं है। कैबिनेट में फेरबदल की भी अटकलें लगाई जा रही है। इसके बीच सुरेश प्रभु ने अधिकारियों को जमकर उनकी क्लास ली और फिर ढीले रवैये पर फटकार भी लगाई। रेल मंत्री ने समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य दिया है और इसके साथ ही प्रोजेक्ट में देरी पर कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। रेल मंत्री ने कड़े रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि कुछ रेल अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि डेयरी प्रोडक्ट सेगमेंट्स में भी अपना तेजी से विस्तार कर रही है। पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि डेयरी प्रोडक्ट सेगमेंट में विस्तार योजना पर काम कर रही है। कंपनी का तेजपुर प्लांट शुरू हो गया है और बालकृष्ण के मुताबिक गाय के दूध और घी की काफी ज्यादा डिमांड है। नोएडा में घर खरीदारों और बिल्डर्स के बीच दिक्कतें दूर करने के लिए अथॉरिटी के अधिकारी अलग अलग बिल्डर्स से मिल रहे हैं और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने बुधवार को आम्रपाली ग्रुप के साथ बैठक की। इसमें 200 से ज्यादा बायर्स भी शामिल हुए। अथॉरिटी की तरफ से OSD और एडिशनल CEO ने बायर्स की शिकायतें सुनी। बैठक में बायर्स को एस्क्रो अकाउंट खोलने का आश्वासन दिया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने टाटा कैमलॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि ये चंडीगढ़ में सुखना लेक के कैचमेंट एरिया में आता है और कोर्ट ने सुखना कैचमेंट एरिया की ग्राम पंचायत को दी गई मंजूरी और पंजाब सरकार की रजामंदी को भी खारिज कर दिया है।